ये देखिए क्या आया है, ये है हमारी पासपोर्ट की डिलीवरी जो हुई है सिर्फ एक दिन में। कल हम गए थे पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए और आज पासपोर्ट हमारे हाथ में है। ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि 17 इयर्स में हम लोगों ने जितने भी बार पासपोर्ट रिन्यू कराया है ऑलमोस्ट उसे बहुत दिन लगे हैं आने में, पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक दिन में हमें पासपोर्ट रिन्यू करके मिला। ना ही हम लोग ने तत्काल सेवा अप्लाई की थी और ना ही हम लोग ने अर्जेंटली रिक्वेस्ट की थी। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू इसकी सारी प्रोसीजर्स दिखाऊंगी कि हमें ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई है। ये तो कैसे हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जाना है BLSIndiaUAE.com पर, और जब उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट या फिर इंडियन वीज़ा जो भी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पर वेबसाइट पर आपको अपॉइंटमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। कोविड से पहले हम लोग डायरेक्टली BLS में वॉक इन जाते थे हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए। विदाउट अपॉइंटमेंट अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके जाना होगा। और ये रहे हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है फीस के साथ में। अगर आप यहाँ पे इनके जो फीस स्ट्रक्चर है आप देखेंगे, एडल्ट्स जो 36 पेजेस बुकलेट है वो अराउंड 285 दिरहम उनका चार्ज है, और 60 पेजेस की जो बुकलेट है वो अराउंड 380 दिरहम है। नॉर्मल प्रोसीजर में दुबई में जो पासपोर्ट इश्यू होता है वो मिनिमम 5 वर्किंग डेज लेता है, और अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं 36 पेजेस वो आपको चार्ज होगा 855 दिरहम, और 60 पेजेस की बुकलेट आपको चार्ज होगी 950 दिरहम। तत्काल में आपको मिनिमम 2 वर्किंग डेज में आपका पासपोर्ट मिलेगा। दुबई में तो बहुत ही लेट अपॉइंटमेंट मिल रही थी, अराउंड 10 से 15 दिन के बाद की। तो हम लोगों ने दूसरे एमिरेट्स में भी ट्राई किया था और लकीली हमें रसल खेमा की अपॉइंटमेंट मिल गई थी नेक्स्ट डे की। इतने दिनों से हम लोग घर से बाहर निकले ही नहीं थे तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। मैं प्लान कर रही थी इंडिया जाने का, तो तभी मेरे हस्बैंड ने देखा तो पासपोर्ट एक्सपायर है। तो अब हम जा रहे हैं रसल खेमा, और ये मैंने मैप सेट कर लिया है। जब भी आप अपना डिटेल फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत सावधानी से फिलअप कीजिए, क्योंकि मे बी वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो एक बार आप अगर वहाँ पर पासपोर्ट लेकर जाएंगे और आपके फॉर्म में मिस्टेक है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा क्या कीजिए, आप जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है उसी टाइम पे आप जब जाएंगे तो डायरेक्टली पासपोर्ट लेकर उन्हीं के पास जाइए। 30 दिरहम से आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये रेड कारपेट जो है, मतलब स्पीड लिमिट, इतने 80 स्पीड पे आपको इतने डिस्टेंस पे चलाना है। तो ये हम पहुंच गए हैं रसल खेमा, और ये है रसल खेमा सिटी। सिटी नहीं बोल सकते बट वी आर ऑलमोस्ट इन द सिटी। ये देखिए ये गए हैं पासपोर्ट ऑफिस चेक करने के लिए, कहाँ पर है वो एग्जैक्टली। और मैं बैठी हूँ गाड़ी में, ये बाहर खड़े हैं। यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, ये आगे वापस क्या हो गया? वो तो है ही नहीं, वहाँ किधर गए? यहाँ पर तो हमें BLS का ऑफिस मिला ही नहीं, पर ये देखिए आगे हमें क्या मिला है। ये है रसल खेमा का कॉर्निश, और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल समंदर है, पूरा नीला पानी। यहाँ की लहरें देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल कि यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है। इतनी लहरें आ रही है, वाओ, बहुत ठंडा फील हो रहा है। और
और हमें हमारा पासपोर्ट का ऑफिस मिल चुका है। BLS कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक्चुअली मेरे छोटे भाई ने भी इसमें काम कर चुका है जब वो दुबई में थे, तो अभी अपने अंदर जा रहे हैं। देखिए BLS ये है इनका ऑफिस यहाँ पर रसल खेमा में। यहाँ पे फिलहाल एक ही स्टाफ है रसल खेमा के ब्रांच के लिए, और यहाँ पे सिर्फ हम पासपोर्ट लेकर आए हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग और पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब यहीं पे मिलता है, तो कुछ भी लेके नहीं आना है, सिर्फ आपका पासपोर्ट लेकर आइए, बाकी सब कुछ वही जो स्टाफ है वो सब कुछ आपके लिए करके देगा। तो हमने अभी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दे दिया है और सारे फॉर्मेलिटीज हो चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाना, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस आए वो आप तक डायरेक्टली जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय।